हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपट्री टेक्नोलॉजीज। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक स्मार्ट डस्टबिन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टिंकर कैट ओपन करेंगे। ये हमारा टिंकर कैट का डेस्क बोर्ड है। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम कंपोनेंट सर्च करेंगे, आर्डिनो यूएनओ को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। उसके बाद हम लोग ले लेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर 4 पिन अल्ट्रासोनिक सेंसर हम लोग ले लेंगे। और इसके बाद हम लोग ले लेंगे ब्रेडबोर्ड मिनी के ऊपर हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर पुट कर देंगे। अब हम लोग ले लेंगे सर्वो मोटर, सर्च करिए सर्वो। ये हमने सर्वो मोटर ले लिया। एक सर्वो मोटर को रोटेट करेंगे, हमने सर्वो मोटर यहाँ पुट कर दिया है। अब हम लोग इसका कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग पावर पिन कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट अल्ट्रासोनिक सेंसर से। हमने कनेक्ट कर दिया अल्ट्रासोनिक सेंसर से 5 वोल्ट और करीब करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमने 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। कलर चेंज कर देते रेड। इसी तरीके से जीएनडी हम कनेक्ट कर देते हैं। हमने जीएनडी कनेक्ट कर दिया। वायर को स्ट्रेट करते हैं। हम रेड वायर स्ट्रेट नहीं है। अब हम लोग करेंगे, देखिए इसमें ट्रिक पिन है और इको पिन है। ये देखिए ट्रिक पिन हम लोग कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के 7 पिन से। आर्डिनो के 7 पिन से हम ट्रिक पिन 8 पिन से कनेक्ट करते हैं। 8 पिन से हमने ट्रिक पिन को कनेक्ट कर दिया है और इको पिन को हम लोग कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के 7 पिन से। हमने इको पिन को 7 पिन से कनेक्ट कर दिया है। ट्रिक पिन कनेक्ट किया 8 एंड इको पिन कनेक्ट किया 7। अब हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन करेंगे। ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट हम कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के 5 वोल्ट से। आर्डिनो के 5 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ग्राउंड को हम लोग जीएनडी से कनेक्ट करेंगे। ये आर्डिनो का जीएनडी यहाँ पास भी है तो हम यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं इसको। जीएनडी से कनेक्ट हो गया। अब आउटपुट पिन को हम लोग कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो की 9 पिन से। आउटपुट पिन हमने आर्डिनो की 9 पिन से कनेक्ट कर दिया। ऑरेंज कलर ऑरेंज करते हैं, इसको येलो कर देते हैं। ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन हो गया है। देखिए इको पिन ट्रिक पिन हमने कनेक्ट किया है 8 पे, इको पिन कनेक्ट किया है 7 पे। अब हम लोग कोड में जाएंगे और ब्लॉक्स को सेलेक्ट रहने देंगे। इसको डिलीट करिए, वेरिएबल पे क्लिक करिए और यहाँ अल्ट्रासोनिक सेंसर का एक वेरिएबल ले लेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर के नाम से। वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए 3 ब्लॉक जनरेट हो गए हैं, 3 ब्लॉक्स आ गए हैं। अब ये पहले ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब हम लोग इनपुट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, इसको जी इस पे पुट कर देंगे वाइट वाले ब्लॉक पे। अब यहाँ से हम ट्रैक करेंगे इसको नीचे साइड से। देखिए ट्रिक पिन लिखी है, ट्रिक पिन हमने कनेक्ट किया है, किस पिन पे कनेक्ट किया है 8 पिन पे। सेलेक्ट करिए और यहाँ 8। अब यहाँ इको पिन है, इको पिन हमने कनेक्ट किया है 7 पिन पे, तो इको हम सेलेक्ट कर देंगे 7। अब हम लोग यहाँ से आउटपुट में जाएंगे, प्रिंट सीरियल मॉनिटर का ब्लॉक लेके फिर वेरिएबल में जाएंगे और अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पुट कर देंगे। अब हम लोग इसको चार्ज सिमुलेट करेंगे और सीरियल मॉनिटर पर इसकी वैल्यू देखेंगे। सीरियल मॉनिटर देखिए 113 आ रहा। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे जैसे ऑब्स्टिकल करीब आएगा, जैसे गार्बेज
अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास करीब आएगा तो यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस आएगी। तो हम लोग क्या कंडीशन दे देते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू लेस देन 50 हो तो सर्वो 90 डिग्री पे ऑपरेट हो जाए। तो स्टॉप करिए, कंट्रोल में जाएंगे, इफ एल्स के ब्लॉक ले लेंगे, ये हमारे इफ एल्स का ब्लॉक है। मैथ में जाएंगे, यहाँ से ऑपरेटर पे जाएंगे, ये हमारा ऑपरेटर का ब्लॉक है। वेरिएबल में जाएंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेस देन 45, लेस देन 50 के नीचे जाएगा, मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास गार्बेज आएगा तो ऑटोमेटिक डस्टबिन का कैप ओपन हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ जाते हैं, कंट्रोल में जाएंगे, आउटपुट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सर्वो मोटर की पिन है, रोटेट सर्वो, इसको ब्लॉक यहाँ पुट करेंगे, एक ब्लॉक यहाँ पुट करेंगे। सर्वो कनेक्ट है 9 पे, तो 9 सेलेक्ट करिए, यहाँ पास भी 9, यहाँ पे दे देंगे 90 डिग्री। जब सेंसर की वैल्यू 50 से नीचे हो तो 90 डिग्री ऑपरेट हो, नहीं हो तो 0 डिग्री। और एक कंट्रोल में जाएंगे, एक डिले दे देंगे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का डिले यहाँ पास। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करते हैं, जब अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू लेस देन 50 हो जाएगी तो सर्वो ऑपरेट होगी। अब देखिए सीरियल मॉनिटर पे देखिए, अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू कितनी है, 131 है। जब यह गार्बेज अल्ट्रासोनिक सेंसर के करीब आएगा, अल्ट्रासोनिक अभी देखिए 80 है, जहाँ 50 के नीचे आएगा तो सर्वो ऑपरेट होगी। देखिए 90 डिग्री ऑपरेट हो गई, जब गार्बेज हम बास्केट में फेंक के दूर हट जाएंगे तो अपने आप जो कैप बंद हो जाएगा डस्टबिन के, इसी तरीके से हमारी स्मार्ट डस्टबिन ऑपरेट होगी। ये देखिए आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाएंगे ऑटोमेशन विद PIR सेंसर। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।